नवीन भास्कर की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आप सबका पूरे दिल से पूरे मन से पधारने के लिए आभार करता हूं कि हम अपने किसी भी आयोजन की शुरुआत जो है वो दीप प्रज्वलन से करते हैं और उस ईश्वर से हो, उसको जिस भी रूप में याद करते हो, हम उससे ये प्रार्थना करते हैं कि आज जो हम इस जगह पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो उस आयोजन को पूरा करें। कि वो एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने इस हिंदुस्तान में एस आईपीएस बहुत बहुत अच्छे स्तर पर अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद वो जाने माने वकील हैं, निर्माता हैं और समाज सेवी हैं। समाज के लिए एक होता है कि कोई भी मुद्दा हो, बहुत ही मुखर आवाज है वो इस समाज की। वाईपी सिंह साहब का बड़ा योगदान नवीन की जिंदगी में है। सिंह साहब आप पधारे हैं, आपका दिल से आभार करता हूँ, कृपया आप मंच पर। 1000 लोग आए थे, सिर्फ 1000 लोग आए थे और 25 करोड़ वाले भारतवर्ष को गुलाम बना दिया और 200 साल तक गुलामी की और इतिहास हमको मुल्क बना। कहता है अंग्रेज हमको लूटने आए थे, अरे आप क्या कर रहे थे? 25 करोड़ देशवासियों को दोषी किया जाए या अंग्रेजों को दोष दिया जाए, क्योंकि सिर्फ 1000 लोग आए थे। लोग जो है इतिहास से नहीं सीखते हैं और जो हमको इतिहास बताया जा रहा है सब गलत है। अंग्रेजों की हम बुराई करते हैं, अरे अंग्रेजों ने आपके भारतवर्ष को बचा दिया। जिस समय उनके पास तलवार थी, हमारे पास तलवार थी, कुछ नहीं कर पाए। विचारों में एक तरह से बड़े ही रिग्रेशन आ गया है और ये पुस्तक इस रिग्रेशन को आगे में बस हिंदी शब्द ही उसके लिए उसको आगे ले जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जल्दी हम देखेंगे इस पुस्तक को अच्छी बड़ी वेब सीरीज या मूवी में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसी शायरा, एक ऐसी अभिनेत्री जिनका मेरा और नवीन का ताल्लुक करीब करीब 25 से 27 साल का है, लगती नहीं है वो इतनी वो है लेकिन है हमारा इतना ताल्लुक, दीप्ति मिश्र जी। दीप्ति मिश्र जिन्होंने अनेक फिल्मों में अभिनय किया, सीरियल्स में अभिनय किया, शायरा के तौर पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाज से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे गैर ना हो जाए वो, बस इतनी हसरत है तो है। वो कड़िया साहब है, हम लोग उनका स्वागत करें। 1972 में उन्होंने शुरुआत की, अगर मैं गलत नहीं हूं, रिवाज फिल्म से 60 से ऊपर फिल्में हैं, एक से एक बेहतरीन फिल्में। आप नाम लेते जाइए, तेरी मेहरबानियां, आज का अर्जुन, प्यार झुकता नहीं, नसीब अपना अपना, न जाने कितनी और आज भी वो सक्रिय है। आप सबको सादर प्रणाम, आदरणीय पूजन साहब, इसके बाद मुझे कुमार जी डायरेक्टर साहब, तमाम आप लोग सब मेरा आप नाम नहीं बोलो तो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप सब कलाकारों को जो टेक्निशियन से प्रेस वाले सबको और आजकल बोलने की गुंजाइश ही नहीं है, किसी का नाम बढ़ते दबाव सामने से आता है, क्या बनाया, क्या किया, क्या अच्छा क्या बुरा। और जैसा 50 ईयर्स हो गया मुझे, मोर देन 60 फिल्म दी, मजदूर से डायरेक्टर मोर देन 30 फिल्म, और पहला डेब्यू था मेरा आज का जो बच्चन साहब की फिल्म से। मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई भी एक्टर ऐसा होगा जिसके साथ हमने काम नहीं किया हो। लाइक फ्रॉम 5 पिक्चर में रजनीकांत को डायरेक्ट किया, 2 पिक्चर बच्चन साहब को किया, और मनोज कुमार जी से लेकर सबको डायरेक्ट करने का मौका मिला, सब शाहरुख खान, सलमान खान,
शेख कुमार, शेख अली, इसका भी नाम लिया, मतलब कि यस्टरडे आज, मतलब अपने आप में एक इंडस्ट्री है। सर मैं टीवी के लिए और फिल्मों में तो पहले से ही काम कर रहा था, जहर, खाकी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, और जैसे मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था, थिएटर करने के बाद मुंबई आया प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद। कहानियां बहुत सारी होती हैं जो हम कल्पना के आधार पर लिखते हैं। जैसा मैंने कहा कि राइटर के दिमाग में पहले प्लॉट आता है, बीच आता है, लेकिन इस कहानी में जब से मैंने होश संभाला तो इसका प्लॉट, इसके किरदार सब मेरे इर्द गिर्द थे। मेरे जिन लोगों ने कुर्बानियां दी अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए, हिंदुओं ने कुर्बानियां दी दूसरों को बचाने के लिए, तो क्या उनको भुला देना इंसाफ होगा? इसलिए मुझे लगा कि डार्कर साइड के साथ में पॉजिटिव साइड का भी सामने आना जरूरी है। सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये विषय ऐसा है मैं इस पर 400 पेज की किताब लिख सकता था, 400 पेज की किताब मैं इसके ऊपर लिख सकता था, मेरे पास इतना मटीरियल था। लेकिन आज की डेट में ये कड़वा सत्य है कि पाठक वैसे भी किताबें कम पढ़ते हैं और आधे से ज्यादा लोग बुक का साइज देख करके घबरा जाते हैं। आपने अंदर क्या बोला है वो किसी को मतलब नहीं, बुक का साइज देख, हरे बाप रे नहीं, इतना टाइम ही नहीं हमारे पास, क्योंकि सर मोबाइल पे सब कुछ है, गूगल बाबा ने सब कुछ दिया है। तो इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ जो रेलिवेंट चीजें हैं उस सब्जेक्ट के साथ, उस उन सब रेलिवेंट चीजों को यही थी कि फ्लाइट छोड़ दे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने माना नहीं, तो मेरे को बाहर रोड आना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा डिले भी हो गया। लेकिन थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने इम्पोर्टेंट लोकेशन के लिए, थैंक यू सो मच। और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने घर में इनको शांति दी इसी वजह से देख पाए। हाँ जी, अच्छा राइटर के लिए वही इम्पोर्टेंट होता है ना, उन्होंने एक सच्ची अनकही कहानी हम पढ़ेंगे जल्दी। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया।